रिजवान हैदर एंड मोहसिन अली। तो जनाब कमाल की विक्ट्री, कमाल की विक्ट्री, अल्फाज नहीं मिल रहे जो यकीन मानिए कि जो जिसकी तारीफ की जाए। और न सिर्फ ये सीरीज अपने नाम की है बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी ये मैच बहुत बहुत वाइटल है। और इंडिया जो है वो पहले नंबर पे चला गया, ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके पहले नंबर पे ऊपर चला गया आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए जो रास्ता है वो मजीद आसान हो गया। अब जब इंग्लैंड की, खैर मैं बाद में बात करूंगा, वो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच है उसी ही की हम बात करेंगे। और मोहसिन भाई, पिछली वीडियो में मैंने बोला था तब तो जीते ही थे ताजा ताजा, लेकिन अभी जो लोग कुछ मैसेजेस कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो विराट कोहली की बैशिंग कर रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी बात करिए कि हमने जब ये बात की है, और आप ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी टीम के कप्तान है और उनके मुकाबले का खिलाड़ी दुनिया की क्रिकेट में आज के दिन कोई नहीं है। तो यू नीड टू अप्रिशिएट योर जो स्टार्स हैं उनकी इज्जत करिए। वो नहीं है तो आप उनको मुबारकबाद दीजिए बजाय इनके कि उसके ट्विटर पे इधर उधर जाके बैशिंग करिए। इस मैच पे मजीद बात होगी और आपके जो सवालात हैं वो भी हम लेंगे। जी मोहसिन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। वो उस वक्त ऐसे इमोशंस थे कि मैं सब कुछ भूल गया था। देखें, ये टीम है विराट कोहली की, ये वही लोग हैं जो कोहली की बैशिंग कर रहे हैं जो टीम इंडिया की बैशिंग कर रहे थे। 19 तारीख को ही 36 पे इंडियन टीम आउट हुई थी। तमाम बड़े बड़े चैनल्स उठा लें, तमाम बड़े बड़े जो शो कॉल्ड भी और जो वैसे भी बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले बैठे थे, एक्सपर्ट्स बैठे थे, जर्नलिस्ट बैठे थे, टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे थे और पता नहीं कौन कौन बैठे थे, उन तमाम का देख लें उन्होंने क्या कहा था। वो सारे बैशिंग के जिम्मेदार हैं। आज वॉन का ट्वीट आ रहा है कि जी कमाल हो गया। मैं समझता हूं ये टीम कभी भी ना बनती अगर कोहली ना होते। कोहली के बगैर ये टीम जीरो थी, जीरो है, जीरो हो जाएगी। ये सिर्फ एक्स्ट्रा मोटिवेशन थी कोहली के जाने से। प्लेयर तो सारे उसके, वाशिंगटन सुंदर कैसे खेल गया, ठाकुर, क्या शास्त्री ने निकला है, क्या राय ने निकला है, नो, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग आप, हमने कहा था कुलदीप होना चाहिए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर प्लेड आउट ऑफ स्किन, उसने कमाल किया। ठाकुर ने, रिजवान ने बार बार कहा था 7 विकेट हैं, 67 है, दूसरी इनिंग को छोड़े, उस वक्त तो मैच जेब में पड़ा हुआ था जिस तरह आपने खेला है। तो 19 तारीख थी जब 36 की थी, 19 तारीख को सूद समेत, इसको कहते हैं पेइंग देम विद देयर ओन मेडिसिन, उनको जो भाषा, जो जबान, जो बोली, जो लैंग्वेज उन्हें समझ आती है, उसमें आपने जवाब ऐसा दिया कि मुद्दतों ये जवाब याद रखा जाएगा। और कोहली को, उसके बोलने वाले सब मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में बेवकूफ हैं, स्टूपिड्स हैं, फूल्स हैं, और वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। बगैर कोहली के ये टीम ही कभी ना बनती। और दूसरी बात, हेटमैन शर्मा के 5 कैच मत भूलें, अश्विन का मत भूलें, उसने ट्वीट भी किया है कि जनाब मैं तो नहीं खेला लेकिन ये हम कभी नहीं भूलेंगे जो आपने हमें गाबा में बुलाया था, एक दफा फिर बुलाना, 32 साल आपने इंतजार किया है, देयर फोर्ट्रेस्ट, उनका किला, उस किले को आपने पिला मिला टिला करके ना जनाब साइड, उस की कहते ना त्रोड़ मरोड़ के, उन्होंने क्या लो जनाब और कोई हुक्म ऐसा नहीं। अनोज त्रिवेदी कह रहे हैं जी एक बार आप बोल दें व्हाट इज दिस, और फिर बोल दें जी गाबा में ढाबा अपने स्टाइल में। What is this? Where is Mr. Walker Vaughan? Where is Mr. Ponting? Where are those home supporters who were एक दो के मैंने मैसेज जान के रखे हुए हैं, those who were saying कि जी 5 विकेट कमिंस लेगा, 9 विकेट अपना लॉयन लेगा, 13 विकेट स्टार्क लेगा, 18 विकेट हेजलवुड लेगा और ग्रीन भी कोई 25-30 विकेट लेगा, हालांकि विकेट 10 ही होती हैं। तो what is this? और गाबा में ढाबा नहीं, गाबा में कीमा शीमा बना के, रोल शोल बना के, जेड़े मेरे भरा गोश वोश नू पसंद नहीं करते उन्होंने जनाब वेजिटेरियन बना के ऑस्ट्रेलिया ना बना बड़ू के भेज देता है। समीर सालेकर कह रहे हैं जी रहाने बिल्कुल, एक तो उनकी जो पर्सनैलिटी है मुझे बड़ी पसंद है, कूल एंड काम, राहुल ड्राइवर की बिल्कुल कॉपी लगते हैं मुझे, और राहुल ड्राइवर की बिल्कुल कॉपी लगते हैं जी मुझे। और उस समीर साहब बालेकर कह रहे हैं जी रिहाने ने टी शर्ट दिया नथन लॉयन को, वो सारा वो साइन कर सारे के सारे के, ये होता है जेस्चर, एंड व्हेन एवरीवन वाज लाइक जंपिंग एंड एंजॉयिंग, रिहाने इज जस्ट स्टैंडिंग अब्सॉर्बिंग ऑल इन,
तो बस अपनी पर्सनैलिटी है उनकी, बाकी आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए रहने ने जो काम उनको दिया गया था, जॉब वेल डन, इसको कहते हैं जॉब वेल डन और वेरी वेल डन। राहुल द्रविड साहब का जिक्र ना करना, तेंदुलकर साहब का जिक्र ना करना, उन तमाम लोगों का जो रॉक साइड है। गिल, फॉर मी गिल इज द फाइंड ऑफ दिस सीरीज। ऋषभ पंत रिबॉर्न, नया ऋषभ पंत आया। सिराज आई वॉज डैम श्योर, नटराजन आई वॉज डैम श्योर। और देखें ठाकुर ने भी कमाल किया है, वाशिंगटन सुंदर ने भी कमाल किया है। अभी तो आपकी जब वार्नर नहीं था, स्मिथ नहीं था, आप कोई रह गया तो नहीं था, उसको भी बुला लें जो रह गया। क्राउड भी आपका था, अंपायर भी आपके थे, ऑल द प्रेसिडेंट्स वन योर्स, बट दिस वाज अ ट्रीट, दिस वाज अ डिलाइट टू वॉच इंडियन टीम बैशिंग ऑस्ट्रेलिया। विनी दोसांझ कह रहे हैं जी कांग्रेचुलेशंस टू मोहसिन सर एंड टू यू रिजवान ब्रो, बिगेस्ट फैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंडिया, 5 crore also announced by BCCI for Team India. अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इस पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया की तमाम दौलत, हीरे जवाहरात, सब कुछ जो दुनिया में मिलता है वो सारा ले टीम इंडिया को दे दें। मैं समझता हूं इस अचीवमेंट के मुकाबले में बहुत अच्छा जेस्चर है बीसीसीआई का, क्योंकि गंगुली साहब खुद एक क्रिकेटर थे, बेहतरीन कप्तान थे, ये लेगेसी थी उनकी। लेकिन जो आज ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया शायद यहां पे कोई ना कर सकता, और ये उनका बिलीफ था, उनका यकीन था कि जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हारी हुई बाजी को जीतते हैं उसको सिकंदर कहते हैं। बिल्कुल जी, हारी हुई बाजी को जो जीते उसको सिकंदर कहते हैं। और हमेश प्रताप कह रहे जी मोहसिन भाई आज से गुजारिश है कि कोई डायलॉग मारे जी, अब कह रहे जी मौका भी है, दस्तूर भी है, रवाज भी है। What is this? Bring it on. The boy said, bring it on. Gaba, here we come. और कुछ कहना नहीं, कोई और हुक्म है साढ़े हस्ते, दसो ड्रा जाएगा 200 नहीं बनेगा, हार जाएंगे, फलाने हो जाएंगे, 68% ऑस्ट्रेलिया, 11% फलाना, तो एक पर मैंने क्या कहा था रिजवान हैदर, आई डोंट बिलीव इन रेन, मुझे रेन वेन पर नहीं यकीन होता, मुझे ये होता है कि जाएं खेलें, जब बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, फिर देखेंगे, आप अपनी क्रिकेट खेलें। मैंने आपको बोला था कि 100 रन मुझे चाहिए दूसरे सेशन में, एग्जैक्ट 100 रन इन्होंने, मैं कहा 2 विकेटें गिर जाएं कोई मसला नहीं, 2 विकेटें गिर गई, हालांकि अंपायर्स कॉल सारी चीजें इन्होंने आंखें बंद की हुई थी। अनुज औलक का वो कहने जी अब इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ जो सिलेक्शन है वो तो बड़ा दर्द-ए-सर बन जाएगी। कोई दर्द-ए-सर नहीं है, बड़ा आसान है। पीके का भी सुपर चैट आया, पीके विद पीके, वो क्या पीके भाई जी, पहले एक सी जेड़ा के अंदर ब्याह कीता है, शरारती गोरन जेड़ी है नाराज है, फैन साड़ी है नाराज ना हो, एंजॉय कर, हुण तेरा मियां जेड़ा इंडिया दे, सो यू मस्ट सेलिब्रेट, ऑस्ट्रेलिया हारा तो भी तेरा, इंडिया जीता तो भी तेरा। मनजिंदर गिल साहब ने जी सुपर चैट भेजा यूएसए से, मनजिंदर गिल साहब थैंक यू आपका, जी गिल साहब और तमाम दोस्तों का खुश रखे, और जिनका पिछली वाली चैट से कुछ रह गए नाम तो शाम वाली उसमें इंशाल्लाह मैं अकोमोडेट करूंगा। बिल्कुल वो माजरत आपसे, क्योंकि छत पे थे, धूप भी थी, वो कुछ ऐसे तेजी से निकल के कुछ नाम इमोशंस भी थे, हाँ समझ में आया। साहिल रांझर कह रहे हैं जी इंडिया गॉट इंजर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इज स्केर्ड फॉर लाइफ। ओ भाईजान दोस्त कहां है, दोस्त आ रहे, आ रहे आज कहां है साहिल रांझर साहब, नहीं नहीं बैठे कह रहे हैं आपका ये बात सही है, वो कह रहे जी इंडिया गॉट इंजर्ड बट ऑस्ट्रेलिया इज स्केर्ड फॉर लाइफ। भाई जान मैंने आपको कल भी ये कहा था कि वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, दे आर टू स्केर्ड। अब अंदाजा लगाओ स्कूल गोइंग किड्स के साथ मैच खेल रहे थे, पूरी फुल स्ट्रेंथ, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, द दिस द दैट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा लग रहा था वो, अब ये कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा कि वो जो फिल्में नहीं आती हैं साउथ की, एक ही मुक्के से 10,000 बंदा गिर जाता है, गाड़ियां उड़ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ये तो समझ रहे सन संगी साढ़े के गड्डियां उड़ जाएंगी फूका नल, और फूका नल तुसी उड़, फूकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे, और बब्बर शेर जब आएंगे तो सारे भाग जाएंगे। फ्री फायर गेमिंग कह रहे हैं जी व्हाट इज दिस कम टू गाबा, यस व्हाट इज गाबा, सानू ना बुलाओ गाबा च ऑस्ट्रेलियन नु बुलाओ, असी ते पहले कह दिता सी गाबा एक ढाबा बन सी और ऐसा ढाबा बन सी जिथे पूरे एशियन आणगे और खाणगे गाबे। अच्छा मोहसिन साहब काफी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसमें से अभी एक जो साहब है
उनका रवि ठाकुर जी जी उन्होंने भी सुपर चैट भेजा, उसके अलावा बहुत शुक्रिया जगनेश जोशी हैं जी, विक्रांत जी और रिजवान जी ने तो इंडिया को 4-0 हारने का बोला था, इंडिया नहीं जीतेगा कहा था, अब आपकी क्या राय? देखिए रवि शास्त्री को यहाँ क्रेडिट देता हूँ मैं, फिर इसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से। रवि शास्त्री ने बिल्कुल ठीक कहा था कि कोहली की मेंटेलिटी, कोहली हमारे साथ होंगे, इररिप्लेसेबल है, आई एग्री विद दिस। सवाल बताए आप क्या है? अच्छा जी सवाल वही है कि 4-0 वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मैंने 3-1 बोला था कि एक जो मैच है विराट कोहली, लेकिन वो एडलीट वाला आपने बोला था वो हार गए जो बोला था वो हार गए, और जो बाकी जिसमें था कि हारेगा उसमें जीत, कोई बात नहीं, आप स्पॉट ऑन रहे हैं पूरी सीरीज में। देखिए आप गए हैं स्टैट्स और दिमाग के साथ, देखिए मैं गया हूँ दिल के साथ, मेरा दिल कहता था मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। ऐसी है कि जैसे न्यूजीलैंड में पता था 2-0 से हार रहा है तो बोला जी हार रहा है, तो अब विराट कोहली की एब्सेंस में इतना अंदाजा ही नहीं था कि इंडियन टीम इतना बेहतर खेल रही है। सही बात है, तो सही बात है, इसमें कोई किसी को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं, नहीं 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 3-0 बोला अपने लोग हैं, किसी का मजाक ना उड़ाए, उसकी तारीफ करें कि यार लोग ऐसे तवक्को कर रहे थे और आप ऐसा मैच जीते। सुपर चार्ज मौसम काफी होगी, मैं आपसे जल्दी जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। जी जी पूछे पूछे। अच्छा जी इसके अश्विन वसुदेवा जी हैं जी, कारण जी यू गाइस आर अमेजिंग गोइंग वेल, नो नो वी आर नॉट अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग, एंड रिजवान सर चीयर्स, यू गाइस आर अमेजिंग, फैमिली का है, चीयर्स फॉर टीम इंडिया, फैमिली के थे वे, लव फ्रॉम कनाडा जी, मजा नहीं आ रहा वैसे आज, अगर आप इधर उधर हैं तो मजा नहीं आ रहा, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आज तो इधर होना, आज इधर होना चाहिए था जहां असल काम होता है। अश्विन आज उन दुकानों के ताले लग जाने चाहिए, जंग लग जाने चाहिए। अश्विन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार मोहब्बत आपने मैसेज में भरा हुआ है आपके मैसेज में, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। उसके अलावा जगन्नाथ जोशी कह रहे हैं जी, ये मैंने आपका जी सवाल ले लिया अभी, अश्विन वसुदा साहब का भी मैसेज ले लिया, मौसम भाई रिजवान भाई पेन की पेन, अब एस एम के कह रहे हैं जी पेन की पेम में तब्दीली होगी है जी, पेन की वाकई ही जो पेन है उसमें तब्दीली होगी है मोहसिन साहब, टीम पेन की पेन और उसके, देखे जी देखे देखे बस enough is enough, I don't believe in keep on लोगों को जो है ना उनका मजाक उड़ाऊं। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें सारे, जिस जिसको आप लोग इबादत करते हैं उसका शुक्रिया अदा करें कि उसकी मेहरबानी से आज आप लोग को ये फतह नसीब हुई है, आपके यंगस्टर्स ने कमाल कर दिया है, आपके बच्चों ने आपके बुजुर्गों ने, पुजारा की बात ना करना बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी यहाँ पे, कमाल की इनिंग्स वो खेला है, इतना उसको इन्होंने हैमर, उसको बॉडी के ऊपर इधर उधर बाउंसर लगे, उसको बाउंसर पीके कह रहे हैं प्राउड है इंडियन टीम पे, बिल्कुल जी होना भी चाहिए जैसे बता रहे हैं पुजारा, क्या एक एक खिलाड़ी बिल्कुल जी आपकी टीम ने कमाल कर दिया, कह रहे सो हैप्पी दैट पाकिस्तान आल्सो सपोर्टेड अस, थैंक यू यू, पाकिस्तान पाकिस्तान इज आल्सो क्रिकेट प्लेइंग नेशन, आप उठा ले मैसेजेस कितने उन्होंने आपकी तारीफ की है, यही होती है क्रिकेट, यही होती है स्पोर्ट्स, और हम पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं कि लोगों को तोड़ेंगे, हम तो लोगों को जोड़ेंगे, हम तो उन लोगों को भी दावत देते हैं कि आए और सुने हमें, बजाय आप नफरत की ऐनक लगाने के एक दफा प्यार का चश्मा तो लगाएं, अगर प्यानी ना फूट पड़े मोहब्बत का, अगर फूल ना खिल पड़े हर तरफ, तो मेरा नाम मोहसिन ना रखिएगा। के राठौर साहब ने जी सुपर चैट भेजा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, और जो इनसे पहले साहब थे उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए भी बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच, तो यकीन करिए कि अब बहुत ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे कोई अपनी टीम मैच जीती, सही बात है सही बात, और जिस तरह लड़की जीती है कमाल हो गया, कमाल हो गया, जितनी भी तारीफ की जाए इसकी कम है। हर्षिनी इंगुवा प्लीज फॉरगिव मी इफ आई कुड नॉट प्रोनाउंस योर नेम प्रॉपरली, स्पेलिंग बोल रहे हर्षिनी INGUVA पुजारा लिसन टू रिजवान ड्यूरिंग लंच, थोड़ा सा देखिए ऋषभ पंत की आप देखिए जो इनिंग्स है बड़ी बेहतरीन है, वरना मुझे ऐसे लग रहा था कि इंडिया पास पहुंच के भी अगर जिस तरह सिडनी में फिर वो ब्रेक्स पे पांव रख दिया था तो फिर ऐसा ना हो जाए कि गेंदे बहुत, जो जो जिस जिसने मेरे कहने पे शर्त लगाई है और जो जो जीता है तो मेरा हिस्सा जरा जल्दी भेज दीजिएगा, जस्ट अ जोक मेरी तरफ से, जो जो जीते हैं वो 5-5 रुपए सिर्फ, कितने जी 5-5 रुपए जो है मेरी तरफ से किसी भी गरीब आदमी को दे दें, मैं समझूंगा कि आपने बहुत पुण्य का काम किया। तो ऋषभ पंत ने आके जो वो कसर थी वो पूरी कर दी, लेकिन पुजारा ने जिस तरह बता रहे हैं गेंदें जितनी भी खाई सर बंदे की तारीफ, उसने एक एंड रोके रखा ना रिजवान, देखिए उसने अपना काम किया। भविन ने जी ये कह रहे हैं जी इंग्लिश में हो जाए यार
हार को जब जबड़ों से जीत बल्ले बल्ले ग्रेट मोशन स्नैच विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट इट्स कॉल्ड स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट शेरों की तरह आए लगड़ भगड़ों के घुंड में उसमें पूरे जुथे में घुसे जाकिर अली साहब आ गए जी जाकिर अली साहब आप कहां गए थे आपने मैसेज ही नहीं किया इनको ट्विटर पे ये ढूंढते रहे जी कहां पे मुझे तो आया नहीं मैसेज जाकिर अली साहब जी के मौला अली दम 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 अली अली अच्छा जी इसके अलावा वैभव अजंकर कह रहे जी ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्या बात कर रहा है सर क्या बात कर रहा है भाई बताओ क्या बात कर रहा है फिर उस पे हम आपका बात मीडिया क्या कह रहा था पहले तो वो बात करें ना छोड़े उनको उनके तो जख्मों पे आपने इस वक्त दबा के मिर्चे डाल दी हैं हाँ। अपने भी कई आपके बेहोश हुए हैं बेचारे उनको भी जाके देखे कहां है बिल गेट्स साहब ने सुपर चैट भेज दी बिल गेट्स साहब बिल गेट्स साहब कितने मिलियन डॉलर भेज दी है बिल गेट्स साहब कमा कितने मिलियन लेकिन जो इससे पहले वाली चैट में वो सुपर चैट में बंदे ने मैसेज भेजा था ना कि मेरी शादी हुई है तो मैं अभी जा रहा हूं बेगम के साथ मैच देखने ऑस्ट्रेलियन बेगम है उनकी अभी मैंने उनके लिए मैसेज दिया आपने मिस कर दिया रिजवान हैदर साहब आज तो बल्ले बल्ले से भी बड़ा कोई लफ्ज हो तो मजा आ जाए आज कोई स्वाग सेलिब्रेशन हो वो भी कम है शाम को 6 बजे पाकिस्तानी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ तो स्टे ट्यून्ड एट दैट टाइम इधर उधर ना होना और मुझे मजा नहीं आ रहा वैसे मेरा ख्याल था कि आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप लोग आज ये जो हमारे मोबाइल नेटवर्क है ये बंद हो जाएंगे बिल गेट क्या कह रहे हैं जी बिल गेट जी का मैं थैंक यू कर रहा हूं थैंक यू वेरी मच सुपर क्या 1 मिलियन डॉलर भेज दिए नहीं डॉलर जितने भी भेजे मैं तो मैं क्या बिल गेट साहब आज असी भी गड्डी ले लीजिए नहीं बिल गेट साहब बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का ये प्यार मोहब्बत कुमार कह रहे जी आपका वो बड़े बेहतरीन प्रेडिक्शन है बस जी आपकी मोहब्बत है अल्लाह ताला की और करम नवाजी आपकी दुआएं आपकी मोहब्बत है मैं बस ये दुआएं और दुआएं आपको दे सकता हूं सिर्फ अच्छा जी कौशल परेरा है नहीं वो भी पूछ रहे क्या करें नहीं हाँ। कौशल सनु गाले है जी जी कह रहे हैं जी दिस इज द बेस्ट बॉलिंग ऑन द वर्ल्ड टुक 10 विकेट्स इन ओनली 3 इनिंग्स आउट ऑफ 8 तो यही तो आपसे यही तो कमाल है यही तो आपसे कह कह के दुनिया के पहले नहीं नहीं ये तो नई बॉलिंग अटैक है ये तो इनएक्सपीरियंस है इनसे तो कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ वो जो है वो बम लेके आए हैं तलवारें लेके आए हैं पता नहीं क्या क्या लाए हैं देखें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर दिया ना उनका दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग नंबर 1 बॉलिंग अटैक और जो उनसे आउट नहीं हुआ उनसे आउट नहीं हुई है टीम और जिनकी टोटल 13 विकेटें थी वहां 1013 विकेटें थी इतना जमीन आसमान 23 पे पहुंच गए 13 वाले जो हैं उन्होंने 23 पे नहीं भाईजान 20 आउट कर दिए ना 33 सॉरी तो कहां 13 कहां 1013 लेकिन फिर उनकी टीम को ब्रिस्बेन के मैदान में सिर्फ 3 दफा वो ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हुई है दोनों इनिंग्स में ये 13 वालों ने कर दिया और 1013 वालों से 32 साल में नहीं हुआ 200 कुछ नहीं चेज होता 100 ओवर में कहां से होगा फलाना कहां होगा 5 रन कैसे बनेंगे बिलीव इन योर प्लेयर्स अच्छा जी आलोक कुमार कह रहे जी मैं आपको लखनऊ के फेमस कबाब भेजूंगा जी थैंक यू वेरी मच जी आपने काम में मिल गए थैंक यू वेरी मच आलोक कुमार जी बहुत शुक्रिया जी आपका जाकिर साहब कह रहे जी मोहसिन भाई आई कांट मैसेज यू ऑन ट्विटर आई कैन मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम यू ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया पेन से पीछे अपना नंबर भेज दो यार मैं आपको मैसेज व्हाट्सएप पे कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो पेन से कैसे आज फिर उसने स्टंप मिस कर दिया तो वो जो स्टंप मिस किया है ना तो वो चौका भी तो उसने मिस वो किया। मैच मिस कर दिया नहीं वो जो चौका भी मिस किया उसने इसकी बॉल पे क्या नाम है नेथन लाइन की हाँ देसी डाकू जी कह रहे हैं जी भाईजान ये ब्लू शर्ट वाले जो अंकल हैं ये 1 नंबर है ऑफ इंडिया पाकिस्तान विक्रम फ्रेंड्स थैंक यू नाम आपका बड़ा डेंजरस है जी डाकू साहब एक काम ना करना तुसी अच्छे वाले डाकू बनना जेड़ा अमीरा नु लुटदा है ते गरीबा नु बंडदा है प्रकाश बहरा कह रहे हैं जी मोहसिन सर कितने बर्नोल भेजे हैं ऑस्ट्रेलिया आज ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैंने तो कई अपनों को भी भेजे हैं यकीन करें ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा अपनों के लिए जरूरत पड़ गई कई कमेंट्री में भी नजर आएंगे आपको कोई इधर उधर बैठे हुए नजर आएंगे सबको भेजे हैं आज और फूल भी भेजे हैं कि गेट वेल सून जी प्लीज जाकिर अली साहब आ गए नहीं नहीं उनका वो भी मैसेज था मैंने कहा जरा उस पर बात कर लूं
टिम पेन देखिए वो जुबान हिलाने से ज्यादा ज्यादा ग्लव्स के साथ काम कर लेते तो वो ऑस्ट्रेलिया का फायदा हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है। वो जब जुबान ही हिलाते रहे, कभी वो गाबा की धमकियां, दूसरे मैच स्टार्ट हो गए, सिडनी के मैच स्टार्ट हो गए। आप गलत बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल गलत। वो धमकी नहीं दे रहे, वो कहते भाईजान गाबा आए हम आपको ट्रॉफी पेश करेंगे, आप गलत बात कर रहे हैं। वो ट्रॉफी की बात कर रहे थे, वो कहते आपसे हमने हिस्ट्री क्रिएट करवानी है। हाँ। जो कोई नहीं का, और माइकल वॉन नु लबन वाले नु एक टी-शर्ट मिलेगी भाई। अच्छा जी, इसके अलावा यश कटियान ने जी सुपर स्टिकर भेजा जी, और दिल का ये दिल पक, पक, ये दिल आपका हुआ जी। डीजे हैप्पी रोपर है जी, सर मेरी बेटी फैन है रिजवान भाजी थोड़ी, रोज वीडियो देखती है जी, प्लीज उसके लिए भी एक टी शर्ट भेजना जी, मैं पैसे दे दूं। यार पैसों की गल करके दिल ना तोड़ो सर, पैसों की बात नहीं है, मैं पर्सनली अपनी तरफ से वो 50 के अलावा एक इंशाल्लाह आई विल सेंड यू वन। अच्छा जी, एक आया है जी इंतजार साहब की तरफ से, यूएई की तरफ। वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की वाट लगा दी मामू, सुबह हो गई मामू। अच्छा जी, जेनम खुटारी साहब कह रहे हैं जी मोहसिन सर एंड रिजवान भाई आगे रोहित लिखा ब्रैकेट में, क्या एशियन कंट्रीज को सबक लेना चाहिए इंडिया से? भाई लेना चाहिए, एशियन कंट्रीज क्या दूसरी कंट्रीज भी जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं और रगड़ा खा के आती हैं, उनको भी सबक सीखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में रगड़ा लगाया जा सकता है, बस अपनी जरा थोड़ा सा टीम भी बेहतर करें, स्किल्स वाले खिलाड़ी। देखे दिल गुर्दा तो दिखाया इंडिया ने, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी चाहिए। सैफी लोहावाला साहब एक लफ्ज अगर कहना है तो एक लफ्ज ये है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन। कोई दुनिया की डिक्शनरी ये वर्ड नहीं बना सकती जो काम आज इंडिया की टीम ने किया। प्रवीण रावत जी हैं जी, उन्होंने भेजा सुपर। उसके अलावा वर्धा विशाल हैं जी, थैंक्स फॉर बीइंग यू, सो थैंक्स फॉर बीइंग द वे यू आर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आप सबका भी बहुत। हर्षल पटेल कहते हैं व्हाट विल बी द एक्सक्यूज दिस टाइम, पॉन्टी मैकग्रैंड वार्नर वर नॉट प्लेइंग, ब्रिंग देम ऑन, ब्रिंग देम ऑन। आज वो कहते हैं ना ब्रिंग देम ऑन, वो रॉक कहता था जस्ट ब्रिंग इट। हाँ। तो आज ले आए जो भी लाना है, आज सब कुछ मिलेगा आपको। नितिन शर्मा जी सुपर चैट भेजी, आपके अलावा मन्नी लहल है जी, भाईजान बल्ले बल्ले फ्रॉम मेलबर्न, बल्ले 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 फ्रॉम मेलबर्न हो गया जी। कुबीर साहू ने जी मैसेज भेजा, विपुल कूल का भी मैसेज है, और मेलबर्न से जनाब आप दोस्त का है दोस्त अभी एक्साइटमेंट में है, और अभी तक कई लोगों को तो मजा नहीं आया, तो यकीन करें एक दो लोगों ने disappointed today कि the way the victory was, आज तो हमें फैमिली को सेलिब्रेट करना चाहिए था। उस वक्त आपके लिए हमने अजान के बाद इसीलिए ब्रेक ले लिया कि अगर आप लोग बार बार इसरार कर रहे थे आए आए, तो अब आप कहां हैं सारे, कहां पे गायब हो गए हैं आप लोग? भाई वो तो शरारती गोरों को गायब होना था, आप किधर गए हैं? नाजिम का मैसेज है, और 6 बजे हमें ज्वाइन जरूर करिएगा मोहसिन साहब, पता नहीं कौन सा सरप्राइज, और वो 9 बजे तो आपने करना ही है क्योंकि वो टी शर्ट वो तो बड़ा मजे का काम हो गया। इंडिया मैच आज सरप्राइज भी है, सीरीज भी जीत, 9 बजे भी सरप्राइज अनाउंसमेंट है। हम अपनी जबान से नहीं फिरते, अपने कदमों पे कायम रहते हैं। हाँ 9 बजे और 6 बजे आपने पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आपने जरूर ज्वाइन जी बिल्कुल करना है। आप आएंगे तो मजा आएगा, आप नहीं आएंगे तो हम बोलते रह जाएंगे। ठीक है फिर आपकी। राहुल बुदोनी कह रहे हैं जी भाई साहब और रिजवान भाई बहुत मजा आ गया जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। साहू जी भी कह रहे हैं जी, उनका भी मैसेज है, थैंक यू। तो वाकई यार बहुत एंजॉय किया, सही बात, एक एक पल इस मैच का। आज यकीन करें कि मेरे बहुत ही सालों के बाद मेरे पास लफ्ज खत्म हो गए। अच्छा देखिए सुबह हम जागा का मैसेज है, थैंक यू। जैसे सुबह से ही उठ के मैच मैंने पहली गेंद से ही देखना स्टार्ट किया, जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए ना तो मुझे यार लगा ये गड़बड़ नहीं, मैंने ट्वीट बंद कर दिए। फिर जब पुजारा खेलने लगे, वाह वाह ये कौन है भाई, ये कौन है, वाह वाह बड़ा खूबसूरत भेजा रवि दीक्षित जी, वाह दीक्षित साहब दिल खुश कर देता ये। अच्छा जी जैसे फिर पुजारा आए क्रीज पे
तो यकीन माने हीटर लगा हुआ था, हल्की हल्की मुझे तो नींद आने स्टार्ट होगी। फिर मैं उठ के गया हूँ, मैंने जरा पानी के छठे छठे मारे हैं, कोई चाय शाय बनाई है। मैंने कहा नहीं यार ये मैच मिस करने वाला नहीं है, तो उठो 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 तो उठो सोने वालों के इंडियन टीम आ रही है। इसी जब लंच के वक्फे पे आया था तो थोड़ा सा मेरा मूड आपने देखा थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि वो 90 गेंदों पे 8 स्कोर। तो मैं कह यार मुझे नींद आ गई है, उधर से वो गिल मार रहा है, तो ये ना एंड यार रिजवान हैदर, लेट मी से दिस, द वे गिल टुडे पुल्ड स्टार्क आउट ऑफ द पार्क, माय माय माय, माइंड ब्लोइंग पुल था भाई वो। मैंने खुद भी बड़े पुल खेले भी होंगे इस लेवल पे, जहरी नहीं, लेकिन ऐसा पुल माय गॉड, स्टार्क नू भी नानी याद आ गई होनी है, गोरी अम्मा दी अम्मा याद आ गई। जेनन कोटरी कहने थी, रिजवान भाई अश्विन ने कहा था पेन को इंडिया आओ लास्ट सीरीज हो जाएगी, लेकिन पेन की लास्ट सीरीज ना हो जाए ये वाला एटलीस्ट। अच्छा मुझे एक बात तो बताया रिजवान हैदर साहब, हाँ जी, वार्नर थे, सब कुछ थे, स्मिथ थे, नंबर सारे थे। अच्छा अच्छा, मैं क्या पूछ लूं ना फिर, 2018 में तो नहीं थे आप, तो है ना, इस जितनी बड़के मारी थी उन्होंने उसका ऑपोजिट। अच्छा मैच कहाँ आ रहा था, काफी काफी मैच कहाँ था, उनका जो मीडिया है और बाकी सारा बहुत ज्यादा मैच कहाँ हो रहा था, मैं जरा गाबा में गाबा नहीं आवाज नहीं आ रही, बेस्टमैन नहीं 32 साल से नहीं आ रहा, कहाँ और 32 साल से नहीं आ रहा, आप लोग बता दे मैच कहाँ आ रहा था भाइयों, माल्टा फ्रॉम पाकिस्तान ऑन ट्विटर ट्रोलिंग इंडिया फॉर 36 माय नेम कपिल द्विवेदी। देखिए जब 36 में भी आउट हुए थे तो हमने अपनी वीडियो को में बोला था, मैंने पर्सनली शोएब अख्तर की वीडियो देखी थी और मुझे वो वर्डिंग इतनी पसंद नहीं आई थी, तो तब अपनी वीडियो में भी हमने बोला था कि यार हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है और ना भी खेलना हो तो बंदा अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज करता है, तो वो बस अब उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन वो जरा वाकई मुनासिब नहीं था। उसके अलावा जी अभी जाकिर अली साहब कह रहे हैं जी +91 सीमा ने फिर भी। पवन शर्मा साहब मैं कोई बड़ी प्रिडिक्टर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, प्लीज थैंक यू वेरी मच, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, और मैं आपको सच बताऊं ये लोग जो करते हैं ना टाउंट करते हैं इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं बदतमीजी यहां ना लिखें, वो पूरे कौम पूरे मुल्क के लिए और घर वालों के लिए बदनामी, रेस्ट इज योर चॉइस, थैंक यू वेरी मच। जाकिर अली जी आप प्लीज जरा इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में लिखिए, ये कुछ समझ मुझे नहीं आई, आपने सुपर चैट पे मैसेज भी भेजा, कहते हैं जी कांग्रेचुलेशंस, आप बोले कुछ कह रहे जी यूट्यूब को ये अलाउ नहीं कर रहा इसलिए ऐसा मैसेज किया है जी +91 सिवान, नहीं समझ आ रही दोबारा करें। त्रिनेत्रा कह रहे हैं जी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ रजी हैदर एंड मोहसिन अली ISB, योर प्रेडिक्शंस आर स्पॉट ऑन, कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज क्रिकेट लवर्स हु बिलीव इन योर टीम, हु बिलीव इन दिस टीम, उन सबको मुबारकबाद। मोहन चवन कह रहे हैं जी द बेस्ट थिंग अबाउट दिस विक्ट्री इज द फर्स्ट टाइम बोथ पाकिस्तान इंडिया सेलिब्रेटेड द विक्ट्री, लव। दीपक चौधरी भी कह रहे हैं जी कांग्रेचुलेशंस जी, सुन ले जरा जी, जी वो आपके लिए लव का मैसेज दे रहे हैं और मोहन चवन इनका नाम है, थैंक यू वेरी मच मोहन साहब, हमारा दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, लव यू फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच। अमरवती कोई थैंक यू जी जगह यार, दीप कहते हैं इफ यू रियली वांट अ हैप्पी सेलिब्रेशन शो वॉच मोहसिन एंड रिजवान हैदर शो फॉर बेटर देन द क्रैप, मैं नाम आगे नहीं लूंगा प्लीज ऐसे किसी को ना करें, हमारे भाई हैं सारे, चलें ये आप आगे नहीं लूंगा वो ऐसे मैसेजेस ना करिए। केतन वर्दा भी कहते हैं वर्दा नहीं आई जी, अद्रोजा बातिक जी हैं जी सुपर चैट भेजा जी, थैंक यू जी, उसके अलावा बलराज सिंह चिनिया जी ने भेजा जी, कनानिया शर्मा जी ने कह रहे जी कुछ एक्स फैक्टर, आशीष जी पूरी पूरी रात जाग के मैच देखते रहे इंग्लैंड में, वेल डन आशीष आपको मुबारक, मोहित थे माधव थे दिलीप हालांकि बीमार है वो भी देखते रहे, नथिंग कंपैरिजन बट गावस्कर साहब ने थोड़े टाइम पहले कहा था कि रोहित की तरह गिल के पास भी आधा सेकंड ज्यादा है, देखिए वो तो पहले दिन ही बल्कि आईपीएल के दिनों से हम बात ये कर रहे हैं कि द वे ही प्लेज, तो ऐसा महसूस होता है
कि बाकी उसके पास टाइम है, लेट खेलता है, और जो अच्छे बड़े बैट्समैन होते हैं उनकी निशानियों में से एक निशानी है कि वो गेंद जरा लेट खेलते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के आजकल उनका बड़ा नाम है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, गेंद लेट खेलते हैं, ऐसे लगता है टाइम ज्यादा उनके पास। तो ये अच्छे बैट्समैनों की निशानी है, और गिल जो है लंबे अरसे के लिए इंडिया को सर्व करेंगे। बिल्कुल जी, देखिए कुणाल, कुणाल धागे साहब हैं जी, कह रहे जी शोएब अख्तर बोल रहे थे कि जी मैंने पहले बोला था कि इंडिया जीतेगा, जहां पहले मैच के बाद बोल रहे थे कि इंडिया को कमबैक नहीं कर सकता। बस जी अब पहले जब बोला था, जो बाद में बोला था आपके सामने ही है, कहीं छुपता तो है नहीं, सब कुछ है, यूट्यूब पे मौजूद ही है। बिनी दोसांझ कह रहे जी रिजवान भाई शर्ट ऑस्ट्रेलिया ना ही भेजना, पुट आई सैल्यूट यू योर एफर्ट टू कम एवरी डे फॉर अस एबल शो, बिना तो सीरीज अधूरी है। देखिए जी आप कभी प्यार मोहब्बत मिलता है, और ये यकीन मानिए कि बड़ा कभी हेक्टिक हो जाता है, सुबह भी वीडियो बनाना, मैच के दौरान भी और शाम को भी, लेकिन इतने ज़्यादा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के नीचे हजारों कमेंट्स आते हैं, और आपकी अप्रिसिएशन देख के, जाहिर है मोहसिन भाई की फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, जॉब भी है, आर्टिकल भी लिखने हैं, और भी खबरें हैं, सेम इज हेयर विद मी, प्रॉपर जॉब भी है दूसरी जर्नलिज्म की, जाहिर है कि ये भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और बाकी भी सारे मामलात है, लेकिन सारा जो टाइम निकाल के आते हैं, अपनी पूरी एफर्ट देते हैं कि आपका जो प्यार मोहब्बत आता है तो फिर हमें भी बिल्कुल वो, और ये आप ही का प्यार है जो मोटिवेट करता है। सरबजीत सिंह साहब आज उनको छोड़े, ये जो ट्विटर व्यूटर करते थे आज उन्हें माफ कर देते हैं। तिवारी मोहसिन साहब कह रहे हैं जी सर लव यू बोथ वॉचिंग फ्रॉम मुंबई, आई रियली वॉन्ट टू सी इंडिया वर्सेज पाकिस्तान टेस्ट मैच इन पाकिस्तान। जी हमारी भी यही ख्वाहिश है, आप देखो कब इस पे तकमील होती है। शम साहब आपको बिलीव करना पड़ता है ना कि आप अपनी टीम पे बिलीव करेंगे तो वो जीतेगी। विशाल रिमवाल जी हैं जी, इनका सुपर चैट है, थैंक यू। अदरोज खुश साहब कहते हैं जी मैंने भी कहा था कि इंडिया जीतेगी, ठीक है भाई आपने कहा था। अदरोजा बाटू कह रहे हैं, सुन ले मोहसिन भाई जी, जी अदरोजा बाटू कह रहे हैं जी एज आई प्रोमिस आई विल सेंड यू बोथ रेब एंड ग्लासेस। आपने आपने भाई जान आपको ग्लासेस भेजने हैं सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनका कि आप अपना सिर्फ प्यार भेजे हमें, आप यकीन करें दुनिया की हर चीज एक तरफ रख दें और जो आपका प्यार है अल्लाह जानता है कि मुझे वो प्यार चाहिए, दौलत शौहरत चीजें ये मैंने सब बहुत छोटी उम्र में देख ली थी, अल्लाह का बड़ा करम था, सिर्फ और सिर्फ अब मैंने इस दुनिया से जब जाना है तो क्या लेके जाना है, आपका प्यार ही लेके जाना है, और क्या ले जाना है, ना दौलत जानी है ना ग्लासेस जानी है, लेकिन ये मोहब्बत जो है ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्या दिया समझे हमें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंडियन वुल्फ गेमर कह रहे हैं जी माइकल वॉन की प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया 4-0 उसका क्या हुआ जी, उसका जो हुआ चूचू का मुरब्बा बन गया। वो अगर तुसी मैनू इजाजत दियो एक जुमला कहवा, ओ मैन इन ब्लू ने उदा कुछ बढ़ाया तो फिर वापस भेज देता हूं, जितने मर्जी भेज दो। बिबू मिश्रा कह रहे हैं जी व्हाट अ विन, रिजि भाई नींद नहीं आ रही, आई फेल्ट द टर्निंग पॉइंट वाज सुंदर सिक्स टू कमिंस फ्रॉम जर्सी सिटी यूएसए से मैसेज किया है, थैंक यू। देखिए वाशिंगटन सुंदर की ब्रीफ सी इनिंग्स थी वो भी बड़ी वाइटल थी, देखिए जैसे कि एक मंजिल बढ़ती है ब्रिक बाय ब्रिक, हर बीच में 3-4-5 खिलाड़ियों की बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, गिल की ओपनिंग, फिर उसके बाद पुजारा बेशक के वो थोड़ा शुरू में स्लो खेले, एंड पे उन्होंने भी स्ट्राइक रेट तेज किया, गेंदें भी खाई, बाद में थोड़ा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का वो खेले, उनकी कंट्रीब्यूशन, पंत की तो एंड पे सबसे ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो बीच में उसकी वाशिंगटन सुंदर के 20-22-25 रन है उस वो भी बड़े लाजवाब है, तो सबने एफर्ट दिया। मिसबा साहब भंगड़े से ज्यादा हमारे अल्फाज ये हैं समझे, भंगड़ा कुछ भी नहीं है इनके सामने जी। एंडी शर्मा जामे के मोहसिन साहब रिजवान साहब तुसी दोनों कैंट हो जी, तुसी भी कैंट हो जी। अमृत पाल उपल जी कह रहे हैं जिन्होंने सुपर चैट भेजा जी, शक्ति त्रिपाठी जी हैं, मोहसिन भाई ऑजी मीडिया ने कहा है कि इंडिया से बैटर टीम विद इंडिया इज बैटर टीम विदाउट कोहली ये नहीं सुधरेंगे। ये जान के कर रहे हैं, ये इनकी आदत है, बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है, इसका बेहतरीन हल है इग्नोर देम, और बिल्कुल माइकल वॉन शान को ट्वीट ना करें और बड़ा खुश हो रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इग्नोर देम। आदित्य बंटगार कह रहे हैं ऋषभ पंत कैन नाउ प्रोवाइड बेबी सिटिंग सर्विस टू टीम पेन और मे बी अदर स्टोलिंग गिफ्ट के बोर्ड विल फ्री हिम परमानेंटली बेबी सिटिंग, बेबी सिटिंग उसने कर दी जी, बड़े बड़ों की कर दी। पवन सिंह चौहान कह रहे हैं जी मेरा पहला मैसेज आपने मिस कर दिया था इसलिए दोबारा सुपर चैट पे भेज रहा हूं, लव यू रिजवान भाई। दो दफा नाम ले इनका, दो दफा ले। पवन सिंह चौहान पवन सिंह साहब
थैंक यू वेरी मच। और कह रहे जी सॉरी हमने मिस कर दिया, पुराना सब्सक्राइबर हूं जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अशोक जी वो भी बड़ा प्यार भेज रहे, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। पर्सन जीत देव बहन जी लव यू बोथ, थैंक यू जी, लव यू वेरी मच जी, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। सोहम सरकार कह रहे जी मोशन सर हैट्स ऑफ टू यू, रियली पिन पॉइंट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। सौरभ गंगुली अनाउंस 5 करोड़ जी, वो थैंक यू, बिल्कुल अच्छा किया है सौरभ गंगुली साहब ने, वेरी गुड। कार्तिक चंद शेखर कह रहे हैं जी मोशन सर एंड रिजवान सर फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग वेरी प्राउड हैप्पी एंड वांट टू से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इन बिलीविंग इन अस सपोर्टिंग अस, लव यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। और बस आपकी जो टीम ने कमाल कर दिया तो आपको बहुत खुश भी होना चाहिए। इसके अलावा जी ये मैसेज एक था, इनका नाम मैंने ले लिया, ये रह गए भाई साहब इनका, मैं तो कहता हूँ जी बॉलीवुड ट्रॉलीवुड जितने भी वुड्स हैं उन सबको इस पे पिक्चर बनानी चाहिए, द अमेजिंग वॉरियर्स, और फिर गाबा का ग्राउंड से शुरू करना चाहिए ताकि मजा लोग होते हैं ना क्लाइमेक्स एंड में आते हैं, आप क्लाइमेक्स पहले दिखाएं फिर मजा आता है ऐसी फिल्म देखने का। विशाल रेनवाल ने जी इन्होंने सुपर चैट भेजा, उसके अलावा शक्ति त्रिपाठी जी ने भेजा जी सुपर चैट, थैंक यू जी। और बीच बीच में से मैं आपके रेबल साहब नाच रहे हैं जी, नचो जी नचो, आ देखो नाच रहे हैं, नचो जी नचो, सारे नचो आज, सबका जी बात बड़ी बेहतरीन। सरताज कह रहे हैं लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू वेरी मच सरताज साहब। मोहसिन भाई सिराज पे एक भाई ने बोला कि आप कुछ बोले सिराज, सिराज में सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि उसने अपने वालिद को खोया है लेकिन जो उसने पा लिया इस दुनिया में जो मोहब्बत और जो उसने टीम इंडिया के लिए, मैंने आपसे कहा था मैच से पहले इस कि वो स्पेयर हेड करेगा क्योंकि सारी उस पे आई है, तो देख ले उसने साबित किया है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं, और इसको कहते हैं समंदरों चट्टानों को चीर के उसने दिखाया है टीम इंडिया ने कि विक्ट्री क्या होती है। गौरी शंकर जी ने मैसेज भेजा, इसके अलावा अमृतपाल उपल जी ने मैसेज भेजा जी, मोहसिन भाई ये सुनने वाला जी, आई एम फॉलोइंग यू गाइस व्हेन यू हैड ओनली 2000 सब्सक्राइबर्स and I like Mohsin from starting, he is very positive person. Thank you very much जी, ये आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत शुक्रिया जी। अमृतपाल औलख जी थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा और पॉजिटिव मैसेज किया। मोहसिन भाई वो एक दफा फिर इलाम वो बता दीजिए जो हमने अनाउंस करना है 9 बजे, आप पढ़ने में बताता हूँ। लकी शाह कह रहे हैं जी डू टीम की ला दे, मैं इधर से पढ़ता हूँ आगे, आप बोले। हाँ जी, तो 6 बजे भी एक पाकिस्तानी 6 और 6:30 बजे इंडियन टाइम पे लगभग, हो सकता है हम थोड़े से पहले आ जाएं लेकिन लेट नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बता देंगे, उसमें भी एक सरप्राइज है। और 9 बजे आज रात पाकिस्तानी 9 और इंडियन 9:30 बजे आपके लिए लाइव, जो भी लोग लाइव होंगे ना हम ट्विटर पे लेंगे, बार बार बता रहा हूं, ना हम व्हाट्सएप पे लेंगे, ना कहीं और से लेंगे, जो लाइव लोग होंगे उस वक्त हमारे साथ न्यूट्रल बंदा बैठा होगा, वो आपके लिए 50 टी-शर्टें तो वादा किया ही किया था, अब एक सरप्राइज उस वक्त अनाउंस हो भी है जी। लकी शाह जी मेरे ख्याल तुम पंजाबी लिखी है पर मैं समझ नहीं आई की लिखे है, मैंने दसो, दो टीम खेल खेड़ दिया ने खेला दी, हाँ। अब एक साथ दोनों गोरे टीमा ओ की साथ एंजदा कुछ लिया उन समझ नहीं आई, चले समझ नहीं आई पर जो भी तुसी भेजे, आई गेस ही सेइंग दैट नाउ इंग्लैंड इज गोना विजिट, सो द वन लाइक दे हैव डिफीटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर वंस दे आर गोइंग टू इंडिया, नहीं फिर वो कहेंगे जी असि ते इंडिया चाहे सा चले जाइए लॉर्ड्स इज खेल लेने हां की ख्याल है। सिमरनजीत सिंह जी, सिमरनजीत सिंह जी आपने बोला जी जय हो जी, थैंक्स मोशन सर एंड रिजवान सर फॉर सपोर्टिंग टीम इंडिया, थैंक यू सर। देखिए जी जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिसको इतना सा भी क्रिकेट का शौक है तो उसने बिल्कुल सपोर्ट करना ही बिल्कुल था, करना था बिल्कुल। और जिस तरह की लाजवाब क्रिकेट, गला थोड़ा खुश हो गया लेकिन जिस तरह की लाजवाब क्रिकेट खेली है यकीन करें, फैमिली कहाँ है, ऐसी ऐसी जो सीरीज है ना ये आपको सालों याद रहती है, सदियों सालों याद रहेगी, ये जिस तरह की क्रिकेट खेल गए ना ये लड़के जो यंगस्टर्स थे इंडिया के, जो पहला दूसरा चौथा दोस्त चले गए, मैं कल बोर हो गए तो हम भी चलते हैं, अब बस हम भी फिर इजाजत ही लेते हैं, ले लें इजाजत। जाकिर अली साहब ने कोई मैसेज किया, क्या भेज दिया जाकिर भाई, मैसेज यू ऑन फेसबुक, मोहसिन भाई प्लीज चेक इन मैसेज रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक,
ठीक है जी, भेज दीजिए। और मुझे तो कुछ भी नहीं, मोहसिन साहब का इंस्टाग्राम बनाता हूं मैं वैसे, इंस्टाग्राम भी और ट्विटर भी। आप कुछ नहीं आया मुझे हर भाई। वीडियो के हर वीडियो के जो बॉटम है उसमें डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें लिखा हुआ है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो डिटेल्स है वहां पे मौजूद है। तो बात में वो कर रहा था कि जिस जिसको भी क्रिकेट का शौक है हर बंदा ही अब तारीफ कर रहा है। मोहित साहब बता दिया है कि इंडिया इस वक्त टॉप पे आ गया है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के, बिल्कुल आ गया है, 71.7 पॉइंट्स है, न्यूजीलैंड 70 है, ऑस्ट्रेलिया द शरारती गोराज 69 पे है। ओए लाओ गोरियां नु, शरारतियां नु भी ते हुण दूए असली गोरियां नु भी लाओ। अच्छा देखिए, हमारी कंट्रीज में एक जो चीज है ना कि हम कहते हैं कि जो परफॉर्म करेगा ना बंदा जाके, एक सेकंड में ये मैं मैसेज पढ़ लूं फिर मैं बात करता हूं। ग्रेट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन फ्रॉम टीम इंडिया, व्हाट अ स्टार्ट फॉर 2021। बिल्कुल जी बेहतरीन, वही तो मैं बात कर रहा हूं। तारकनाथ सेठी है जी, तारकनाथ सेठी। मोहसिन जी और रिजवान जी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इंडिया, एंड मोहसिन जी आपकी आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लाउड वॉइस, लव फ्रॉम इंडिया, ओडिशा। थैंक यू वेरी मच ओडिशा। ये सुपर ये क्या जी, निलोय चक्रवर्ती साहब जी, चक्रवर्ती साहब ये क्या भेज दिया है, डांसिंग वो भेजा, वाह हाँ डांसिंग वो भेजा है, उसके अलावा वो डांस कर रहे हैं। अच्छा जी, तारकनाथ सेठी साहब ओडिशा से आपने मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार मोहब्बत भरा आपने मैसेज किया। निलोय चक्रवर्ती जी इन्होंने ये वो भेजा जी सुपर स्टिकर। थैंक यू वेरी मच जी निलोय साहब, थैंक यू। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में एक किसी हद तक बात ठीक भी है कि जो सेना कंट्री में जाके परफॉर्म करता है उस खिलाड़ी का बड़ा नाम बनता है। तो जिस तरह इन जिनके एक एक दो दो तीन तीन मैचेस थे जिन्होंने जाके अभी परफॉर्म किया, इनकी बहुत अप्रिसिएशन होनी भी चाहिए, हो भी रही है, इनका बिल्कुल ऐसे हीरो वाला जो है हीरोइक वेलकम होना चाहिए बिल्कुल। आप पता नहीं आपकी जिस जिस सिटी में आपका जो खिलाड़ी आएगा वह पता नहीं क्या सूरत हाल है, वहां कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन अगर इजाजत मिलती है तो आप अगर वहां नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया पे भरमार कर दें जिस जिसने परफॉर्म किया पूरी टीम का। देखें 20 का स्क्वाड था, कुलदीप को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे खेल लिए, तो सबको अप्रिशिएट करें जो थोड़ा हल्का। रहाणे ने अपना रिकॉर्ड भी जनाब इंटैक्ट रखा कि कोई मैच नहीं वो हारे हैं, एक ड्रॉ किया है और 4 टेस्ट मैच वो जीते हैं। वेल डन बेटी, कह रहे हैं जी आपकी प्रेडिक्शन से उन्होंने कुछ 4,000 पता नहीं क्या जीत लिए। तो भाईजान उसमें से 5 रुपए आपने जो है ना किसी गरीब आदमी को अगर ज्यादा देंगे तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। हाँ निलोय चक्रवर्ती का जी वो बड़ा बेहतरीन, वो अभी तक डांस कर रहा है। प्रवीण कह रहे हैं जी दिस विन जस्ट प्रूव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट, ऑल डिस्ट्रेक्शंस एंड इंसल्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस was used by Indians to raise their game. गुरप्रीत ढिल्लन साहब, मैं ये मैसेज नहीं पढ़ूंगा। बहरहाल भाई इसमें आपकी क्या राय है कि जितने उन्होंने मुस्लिम सेल खड़े किए वो उल्टा इंडिया की टीम के लिए मोटिवेशन। देखिए मैंने तो आपसे कहा था एक ट्रू चैंपियन आप जितना किसी को उंगली करेंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, और ये इतने मजबूत हो गए थे रिजवान हैदर कि अब इनको किसी का डर ही नहीं रहा था। दे जस्ट गो फॉर ऑल आउट किल, इन्होंने कहा जितना ही जितना है। तो जब आपकी इस तरह के इरादे होते हैं तो फिर हार तो आउट ऑफ द बॉक्स है ना। समीर जी का मैसेज है जी, आपको पहले दीवाने चाचा के साथ देखते थे जी, थैंक यू वेरी मच जी, ही इज फाइन नाउ। तो वो जाहिर है कि स्ट्रोक का अटैक हो गया था, ही इज बेटर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अगर इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं। सोनी सिंह जी ने जी सुपर चैट भेजा है, थैंक यू सोनी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एक दो सवाल जो हो साथ साथ सुपर चैट भेजिए, लेकिन कुछ अगर लिखा करें ना कमेंट वगैरह भी बीच में आए तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने का। आधी लाइन लिख दें, हाँ कुछ लिख दें, प्लेयरों को अपने बकअप करें, कुछ बीसीसीआई को करें, हीरोज हैं आपके, सैल्यूट देम। हाँ अच्छा जी, सुशांत बख्शी कह रहे हैं जी, जी, जी सर योर लास्ट थॉट्स ऑन पुजारा, पीपल आर स्टिल क्रिटिसाइजिंग हिम। देखिए देखिए अभी मैच जीत गए, आपको जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अजीब से लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती यार, बंदे ने गेंदे खाई हैं, हेलमेट पे कितनी गेंदे लगी, इधर लगी, पसलियों पे लगी, खड़ा रहा, इतनी गेंदे उसने। आपकी जो टीम में हर तरह तरह के खिलाड़ी होते हैं, पुजारे की तरह का खिलाड़ी भी आपकी टीम में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
बस शुरू कर, मुझे खतरा सिर्फ यह था कि एंड पे इंडिया शायद के 5 आउट हो, 6 आउट हो, 270 तक पहुंचे, 280 तक पहुंचे, तो 20-40-50 रन जो पीछे रह जाए, तो वो वाला कंसर्न था मुझे। लेकिन जैसे ही वो लंच के बाद जो हम कंसर्न शो कर रहे थे, तो लंच के बाद वो आए हैं, तो उन्होंने अपना वो 25-30-35 की जो स्ट्राइक रेट है वो मेंटेन किया। अब मैच जीत गए यार, अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, छोड़े ये बातें, कोई कोहली को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई पुजारा को कर रहा है, अजीब ये लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। जीरो सेंस है क्रिकेट का जो ये बात कर रहे हैं, जीरो। अच्छा जी, लकी शाह कह रहे जी, इंडिया कैन प्ले टू टीम्स एट अ टाइम विद टू कंट्री सेम टाइम बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा जी लकी शाह जी, अभी आपने इंग्लिश में लिखा है तो समझ आ गई है। बेंच स्ट्रेंथ वाकई जिस तरह की कमाल की शो की है, और ऐसा हमने देखा कि इंग्लैंड ने भी दो टीमें खिलाई, लेकिन वो आयरलैंड के खिलाफ मैच था, बाकी ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कर चुका है, लेकिन वो तो आईपीएल के दिनों में हमने देखा कि कितना टैलेंट है इंडियन टीम में मौजूद। तो अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो बिल्कुल, इतने खिलाड़ी इस तगड़े हैं कि दो टीमें आराम से शायद इससे भी ज्यादा बन सकती हैं। सही कह रहे हैं जी, ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक इतनी बड़ी फतह मिली है इंडिया को, सही बात है, ये बहुत बड़ी फतह है, मैं मानता हूं ये। खुश आप सुदीप बुदाना करें जी, मोहसिन अंकल रिजवान भाई, यानी प्रेडिक्शन ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और इज इट टू अर्ली टू प्रेडिक्ट लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश इंडिया। इसमें स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो जाए, इंग्लैंड भी वहां चले जाए, बड़ा भी टाइम पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल प्रेडिक्शन इस पे, मोहसिन साहब भी अपनी प्रेडिक्शन राय, अभी तो एंजॉय करें, दो तीन दिन सुकून लें, फिर करेंगे इस पे, फिक्र क्यों करते हैं। बित्तू देव जी हैं जी, वो कह रहे जी मोहसिन साहब आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाए। ओ भाई जान, ये हाथ बड़ा अच्छा देखते हैं, ये मुझे पता है, लोग आते हैं जरा रिक्वेस्ट करने के लिए जी हाथ हमारा देख ले, तो कभी मूड में हो तो देखते हैं, और वो बड़ा एक्यूरेट बताते हैं वैसे। और ठीक है जी, ये मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था। बाकी सुदीप बुदाना जी का मैसेज, हाँ आपका अभी मैंने वही प्रेडिक्शन आप कह रहे थे, उसकी प्रेडिक्शन बताइए जी, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। गगन दांदीवाल जी हैं, इन्होंने भेजी है सुपर चैट, कांग्रेचुलेशंस ऑल एशियंस, रियली अप्रिशिएट योर व्यूज एंड फ्रेंडशिप स्पिरिट, कांट वेट टू सी माय ऑजी मेट्स फेसेस एट वर्क टुमारो मॉर्निंग। बल्ले बल्ले, मिठाई ला देना पाजी, को लड्डू शड्डू ला देना, गड्डुआ से मजा आएगा। समीर ने मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम हरमीत सिंह साहब, हमने आपको बोला, ये बोल दिया मैंने, हरमीत सिंह साहब कह रहे हैं जी इंडिया बना गाबा का गब्बर, बिल्कुल जी। और बाकी गगन दांदीवाल जी, आप जाएं जरा सुबह, बाकी ये बड़ा मजे का सीन होता है ऐसा, और कुछ हमारे दोस्त हैं बाहर, इंडिया पाकिस्तान जा रहे हैं, आपस में दोस्ती होती है, तो जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान वाले इधर उधर छुपते रहते हैं, तो फिर जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हम कभी कभार जीत जाते हैं कुछ सालों बाद, तो फिर वो दूसरे वाले हैं, तो ये आपस में अच्छा जरा चलता रहता है। पंकज झा जी है, उन्होंने सुपर चैट भेजी है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मोहसिन भाई बस इजाजत, एक दफा अनाउंस कर दें, बिल्कुल जी गला मेरा जवाब देंगे, बिल्कुल एक दफा तमाम आप तमाम दोस्तों का, फैमिली का शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, आप माने ना माने हम तो मानते हैं, आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। शाम 6 बजे एक सरप्राइज है पाकिस्तानी टाइम, आधा घंटा आप ऊपर कर ले इंडियन टाइम 6:30, और 9 बजे रात जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि 9 बजे रात पाकिस्तानी और 9:30 इंडिया, हम बैलेटिंग के थ्रू, कुरानदाजी के थ्रू 50 टी-शर्ट्स जो है इंडियन फैंस के लिए अनाउंस करेंगे, फिर वो तरीका, और हम दोनों उसका हिस्सा नहीं होंगे, न्यूट्रल बंदा बैठा होगा, हम सिर्फ नोट कर रहे होंगे, वो बाकी चीजें आपको शाम को बताएंगे इंशाल्लाह। जाकिर अली जी का मैसेज है जी, अभी चैट खत्म करके देखते हैं आपका मैसेज, देखते हैं। अलोक कुमार कह रहे हैं जी वीजा दिलवा दो जी, आपसे मिलने आना जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, आप खुशी में शादी कर लो, आप हो जाएगी इंशाल्लाह शादी भी जी। अच्छा मैं शादी कर लूंगा, तको करो कुटना पवा देना, गेम चेंजर है जी। आप लोगों को क्या लगता है कि जो सभी कहते थे कि चार दिन का मैच कर दो, पुजारा जैसे प्लेयर रहे हैं, तो पांच, देखिए यार टेस्ट मैच में ना मैं नहीं समझता कि इसको कम करना चाहिए, हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, पांच दिन ठीक है। तो गगन जी आप जब सुबह जाएंगे और अपने ऑस्ट्रेलियन कोलीग से मिलेंगे, पेड़े ला जाओ, नहीं आपने कान के पास जाके कहना है I can't wait to take you to Gabba. नहीं 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 नहीं, यार नहीं कहना। तुझसे सिर्फ मैं पूछना पाजी के गाबा है या पंजाब है, पूछ लाना उन्हें, लड्डू जरूर लाके जाना उन्हें, प्लीज, तो एक अद्धा फूल भी ला जाना, शायद तकलीफ काट हो जाए। हाँ
कांट वेट। और चलो जी शाम को मिलते हैं आप लोगों से एक मर्तबा फिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो लोग देख रहे हैं लेकिन मुसलसल सोच रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, पाजी बस करो सोचना, पुजारा ना बनो, आज पंत बन जाओ। हाँ। तो कर दो ठप्पा, सब्सक्राइब जरूर करिए। रुंकाना राजेश कह रहे हैं जी बोथ ऑफ यू डन परफेक्ट एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया की, थैंक यू वेरी मच। घमंड जो है वो गाबा में खत्म हो गया, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग इंडिया, थैंक यू। बस जी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों के मैसेजेस नहीं ले सके उनसे भी माजरत, और जिनके नाम नहीं ले सके उनसे भी माजरत। और इंशाल्लाह शाम को 6 बजे हम आएंगे, कोई चीज काटने शाटने का नहीं, कोई काटने वाटने ऐसी कितने वाले लोग ही नहीं है, ऐसी मोहब्बत वाले लोग। व्हाट इज दिस, आई जस्ट गिव यू, व्हाट इज दिस, इफ यू आर, व्हाट इज दिस, इफ यू आर, if you have something up there you will get it, so be there with us. Oh sir, mind games mere tu achhi nahi koi khel sakda Rizwan Haider, jinne marzi de de hint, ye to lag pata jaunga jab 6 baje be there at 6 and then inshallah at 9 we will take the way Mohsin bhai said we will just took the name token of love, token of appreciation, enjoy, koi cheez hum nahi kar sakte lekin aapki mohabbat ka hai, massive victory, enjoy, go out, celebrate with your family. वैसे ही आउट ने नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं सिंगी किथे गए हैं ने। ओके जी टेक केयर। ओए शरारती कर रहा तू, बच के रहना, जेड़े ऑस्ट्रेलिया चो है ना अपना गुस्सा कट दे रहन, जरा बच के रहना उन कोलो। 6 बजे मुलाकात। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टेक केयर, लव यू ऑल, एंजॉय द विक्ट्री। बाय बाय जी, टेक केयर।